मेरा नाम वारिस खान अफगानिस्तान से हूँ. बात यह है कि सब लोग को ये पता है कि इंडिया में मुसलमानों को साथ क्या हो रहा है, लेकिन आम लोग, हम मुसलमान लोग सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं. दुनिया में से पहले जो ये इंसानियत आया, फिर उसके बाद मज़हब आया. हमारा यहाँ पे स्वीडन में एक हमारा सिख भाई जो हिंदुस्तान से यहाँ पे जेल में, और उसके लिए हम हेल्प और उसकी मदद के लिए जेल जा रहा हूँ, और उसको जेल से छुड़ाने के लिए एक वकील और मैं उसका छुड़ाने के लिए हेल्प कर देता हूँ. तो बात यह है कि मैं अभी उस सिख भाई के पास जाता हूँ, सिख भाई को वहाँ से जेल से छुड़ा दूँगी, सिर्फ इस बात पे कि हम मुसलमान लोग जो है रासिस नहीं है, हम मुसलमान लोग इंसानियत के लिए काम करते. जिस तरह मैं पहले कहा था कि हम एक सिख भाई के पास हैं, वो इंडिया कर सके, उसके पास मैं जा रहा हूँ, वो जेल में, लेकिन आप लोगों के लिए सवाल ना हो कि क्यों जेल में. ये वो भाई सिख भाई जो है इंडिया से आया है यहाँ पे एसाइलम के लिए, तो इस उसके एसाइलम की इजाज़त नहीं मिला है, तो उसको ज़ोर से डिपोर्ट कर देते इंडिया को. तो हम ये कहते हैं कि वो छोड़ जाए और वो फ्री हो जाए, तो इसके लिए मैं उसके साथ हेल्प करने. तो अभी हमारा साथ स्वीडिश एवा नाम है इसका, तो एवा उसके साथ हमारे साथ जाके जेल में उसके लिए वकालत और वकील के काम कर देते. तो ये आपको अपना नाम बता देगी. माय नेम इज एवा मार्टाग. आई लिव इन स्वीडन, इन द साउथ ऑफ स्वीडन, एंड आई वर्क एज अ वॉलंटियर डिफेंडर of civil rights in Sweden, and we are now on our way to one of Sweden's newest and biggest detention centers to talk to one of those who are locked in there for, as we can see, no reason. Thank you. अच्छा, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ. ये जेल है कि इस जेल में अंदर ये हमारा सिख भाई जो हिंदुस्तान से, तो इंडिया का जो सिख भाई है यहाँ पे जेल पे, लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इसको हम हेल्प करते हैं, इसको जेल से वकील के हेल्प से छुड़ा देते, क्योंकि ये इसका यहाँ पे स्वीडन में किसी जाने वाला कोई नहीं है. बस हम ये करते कि इसको जेल से छुड़ाने के लिए यहाँ पर आए, बहुत दूर आया, कम अज़ कम 100 किलोमीटर दूर से आए यहाँ पे. तो अभी जाते हैं उसके पास. अभी मैं यहाँ पे जेल पे पहुँच गया भाईजान के पास, चंद्रपाल के पास. जिस तरह मैं बताया था कि चंद्रपाल के यहाँ पे कोई जाने वाला नहीं है स्वीडन में, लेकिन हम लोग इसको यहाँ से हर किस्म से हो इसको मैं छुड़ा दूँगी वकील के वास्ते. तो अभी इसे पूछे कि चंद्रपाल, आप बताए कि आप क्यों यहाँ पे जेल में, कितना टाइम आपका जेल में गुजारा है? यहाँ मुझे 2 महीने हो गए. 2 महीने हो गए आप यहाँ पे जेल में? ना, तीसरा महीने हो गए मुझे यहाँ पे. अच्छा, 3 महीने हो गए आपके यहाँ पे. स्वीडन में आपका कोई जाने वाला नहीं है? नहीं. अच्छा, तो आप आपका एहसास क्या है यहाँ पे जेल में? क्या तबीयत बहुत ख़राब है मेरी यहाँ पे, मैं ठीक नहीं रहता, चक्कर सिर घूम ही जाता है. मतलब इनको बोला, मेरे घुटन बहुत होती है यहाँ, ठीक नहीं हूँ मैं. लेकिन अब यहाँ पे आपका कोई बीमारी लगा हुआ है, आप बीमार है यहाँ पे क्या? हाँ, मुझे चक्कर आते हैं, मेरे खपतन जो खाता हूँ निकल जाता है, उल्टी आई जाती है. दवा भी इन्होंने कुछ नहीं अभी तक दिया. अच्छा, दवा भी नहीं. यहाँ पे आपकी उल्टी आते हैं, या आप यहाँ पे खुश नहीं है, आप चाहते हैं कि आप बाहर जाए, यहाँ पे बाहर जगह दे के स्वीडन में. हाँ, ये कोई बात नहीं है. हम आपको पता होगा अफगानिस्तान का लोग जो है मेहरबान लोग हैं, वो आपके साथ, मैं आपके साथ ये हेल्प कर दूंगा, आप बेफिक्र हो. मैं आपके पास वकील लाए, तो वकील के थ्रू अभी आपने पेपर दिया है, आपको इंशाल्लाह जल्दी से यहाँ से आपको छुड़ा देगी, और जल्द ही आप खुश रहेगी, बाहर आप स्वीडन को देख लिया. अब तुम जब स्वीडन आए, स्वीडन को बाहर देखा है? नहीं, अब तक नहीं देखा मैंने. स्वीडन कैसा है? देखा ही नहीं अब तक. अच्छा, तुम स्वीडन अभी तक नहीं देखे? स्वीडन है कैसे? सीधा यहाँ पे जेल पे है. हाँ, जेल में ही. स्वीडन तो मैंने देखा ही नहीं भी कैसा है. अच्छा, चंद्रपाल ने अभी तक स्वीडन देखा भी नहीं है. इंडिया से जब आया,
इसको डायरेक्टली जेल पे ला डाला है क्योंकि इसको बताया कि आपको वापस इंडिया भेज देगी. लेकिन जब आम लोगों के इतला मिला है कि यहाँ पे इंडियन का एक सिख भाई है, तो अभी इसका छुड़ाना तो इंशाल्लाह आम लोग कर देते. और इसको हम खुशखबरी ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये जल्दी से फ्री हो जाएगी, बाहर स्वीडन देख लेगी, स्वीडन में रहेगी, स्वीडन को देख लेगी कि स्वीडन है किस तरह कंट्री. लेकिन आप फिक्र नहीं करना, बेफिक्र हो. अब यहाँ पे कुछ और जो आपके फैमिली के पास आपका कॉन्टेक्ट है, आप उसको कॉल करते हैं, उसको पता है कि आप जेल में? या उनको पता है, वैसे पता है कि तुम पता जेल में, वो ही बहुत अपसेट हैं बहुत ज़्यादा. अच्छा, तो अभी इधर से जेल से आपका पैगाम क्या है आपका फैमिली का? फैमिली को बोल रहा हूँ टेंशन मत करो, ये हमारी हेल्प करेंगे. हाँ. ये मुझे निकलवा देंगे. बस बिल्कुल इस तरह भी है. अब इस तरह दिन आएगी कि आप बाहर होगी तो ये वीडियो खुद देख रहेगी, हाँ किस टाइम तक मैं हूँ आप ही, ये दिन आने वाला है. थैंक यू भाई जान, बहुत शुक्रिया. बस ये आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करें ताकि इंडियन और अफगानिस्तान का दोस्ती जो है वो कायम हो जाए, ये प्यार बढ़ा रहे इनके दोनों के बीच भाई जान. क्योंकि हम अफगान लोग जो है पूरा दुनिया में अमन पसंद है, ये मोहब्बत करते लोग के साथ. लेकिन देखो मैं अफगानिस्तान से हूँ, आप इंडिया से हो, लेकिन हमारा मैंने ये फ़र्ज़ किया कि तुम हमारे मुल्क के हो, मैं आपके लिए कोई चीज़ आ जाए फिर मैं वो कर दूँगा, मसरफ आ जाए पैसे का कोई चीज़ हो, लेकिन वो मैं अपने तरफ से आपके लिए, क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान के दोस्ती रह जाए. आम लोग ये नहीं है, आम मुसलमान लोग जो होते वो अमन पसंद लोग, ये नहीं चाहते कि अब किस मज़हब के किस के नहीं है किस को नहीं. फिर दुनिया में इंसानियत है ये हुए, उसके बाद फिर मज़हब है. हम इंसानियत के लिए काम करते, आप एक इंसान है हमारा तरह, हमारा तरह एक इंसान है, हमारा ये फ़र्ज़ बनते हैं कि आपको इधर जेल से बाहर निकालें. इसलिए कि मैं आपके लिए एक वकील लाया हूँ, वकील के साथ बात किया, उसने कहा कि इसको बाहर छोड़ने का मेरा काम होगा. तुमने स्वीडन अभी तक देखा भी नहीं है, तुम डायरेक्ट जेल में डाले. लेकिन अभी मैं आपको खुशखबरी का देगा और आपका फैमिली का, आप डोंट वरी, आप फिक्र नहीं करना और अपना रोटी का आराम सो जाओ, कुछ नहीं होगा. ठीक है, थैंक यू भाई साहब, बहुत बढ़िया. आप निकाल दोगे तो हमारा ये तो सब है, इंडिया में सब एक जैसे नहीं होते. बिल्कुल, इंसानियत तो अभी भी जिंदा है. बिल्कुल, इंसानियत वो जो प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत है उसी से चलता है सब कुछ. बिल्कुल, ओके. हमारे इंडियन दोस्तों, अभी हमारे भाई जेल में मुलाकात होगी है. यहाँ पे जेल में टाइम बहुत कम देते, हमारा 20 मिनट रह गया, 20 मिनट में इसके साथ गपशप लगा दूंगी और उसके साथ इसको खुश रखेगी. हमारा वारिस खान को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़. Varför vill när du komma till Sverige? Och sen kan jag kap kio Sweden är. Kanske i skilje. Sweden, jag är India, bok khatra är jan kom meri, isliye mä är. अच्छा, अभी हमारा मुलाकात हो गई है, हमारा इंटरव्यू भी हो गया है चंद्रपाल के पास. चंद्रपाल जितना जल्दी हो सकते इसको इस बंद गेट से इसको छुड़ा दूंगी वकील के हेल्प पे. उसके पास वकील जो मैंने लाया था, वकील भी उससे एग्रीमेंट लेके और उसको छुड़ाने के, वो जितना जल्दी हो गए उसको छुड़ा देगी. अल्लाह हाफिज़.